चाहते थे बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान गोली चलाना शुरू कर देता है। तर 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 गोली चलाया, पांच आतंकवादियों के मौत के घाट उतार देता है। पांच नहीं मरे हैं तब छह मरे हैं, देख लो उधर। ये आतंकवादी हमें आतंकवादियों के मौत के घाट उतारा, अभी एक खिला रहा हाथ गोड़। अरे भैया वो आतंकवादी ना हुआ, ए अशोक भैया कई पार्टी वाले लोग हुए। नहीं हथवा वाला करा तो हम करे तो बता दे कि इनके ठमरल हुए। पांच आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया फौजी जवान, अभी दो बचे हैं। फौजी जवान संजय कदम आगे बढ़ाता रह गया, लेकिन गजब हो गया मेरे बाबू। इन कहानी पर गौर करेंगे बाबू। संजय कदम को आगे बढ़ाया लेकिन गजब हो गया। गजब क्या हुआ, दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में लग जाती है। तब किस बात बोली है? मुहे से ना बोल के इशारा से काम चला ला, अच्छा ही रही। एक केटर सेंटर नंदारपुर, अब ले भैया तो ही पड़ता कैटर सेंटर और कौनपुर है रमना प्रपौत बनी नंदारपुर हो, अच्छा आप लोग समझ ली हाँ। 151 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही भैया के। असंतोष भैया हमारे बोले में अगर गलती हो जाई आके यहाँ पर पैसा ले जाया। नहीं भैया लॉकडाउन लगल रहा है, अपन फिर से बुलवा लिया हम बढ़ा के बोल दी। अच्छा फिर आप ध्यान दी, दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय ए बाबू, संजय अपने आप को बहुत संभाला लेकिन शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। नदी में गिरा संजय और डूब गया। वे छुप जाते हैं फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौज
कुछ ना पाए हैं। सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान बिंडेट वाड़ी का दाह हुआ, 10 लाख रुपया मिला आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, चौथ मौत में बदल गई, अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। गौर करेंगे बाबू बिरहा यहीं से मर मोड़ ले ललस। जवान को गोली लगी, जवान गिरा और नदी में गिरा डूब गया। हिंदुस्तानी जवान कई दिन लगातार उस फौजी जवान को जाल डाल करके खोजते रह गए, लेकिन संजय का पता नहीं चला। तब सरकार हार करके शहीद घोषित कर देती है, संजय शहीद हो गया। लसियो ना मिलल हो बाबू, बिना लाश लहले घर वाले अंतिम संस्कार कदलन। काम क्रिया तो बीत गई, अब देखा भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का एक चेक मिलता है शहीदी राश। अब वो शहीदी राश किसके नाम मिला? संजय की पत्नी आरती के नाम मिला। जब 10 लाख रुपए का चेक मिला आरती के नाम, तो भैया हो परिवार में जहर का बीज बोआ गई। सब भुलाए गयल कि संजय शहीद हो गयल। पूरे परिवार के निगाह में सिर्फ 10 लाख रुपया लौकत बा। अर्तिया की काहे मिलन, पूरा परिवार और 10 लाख रुपया के चक्कर में पड़ गए। एक दिन के बाद आरती का ससुर संपत संपत अपने बहू आरती को अपनी कोठरी में बुलाते हैं। बेटा आरती कुछ बातें हैं, आज मेरी कोठरी में चले आना। आरती बेचारी कोठरी में जाती है और संपत अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और करता है क्या, जरा गौर करेंगे बाबू। अब वो क्यों हो अपन निशाना साधन का बात है, बिरहा पे ध्यान देना अपना। एके समझदारी कहल जाला, एके समझदारी कहल जाला कि आप लोग जहां का तहां बैठल बनी। कमलेश भैया खुदे फौजी जवान, उनका निगाह चारों तरफ चलत है, सब बैठल और समझ गए, बस बैठल नहीं। आप लोग ध्यान दें, बिरहा पे संपतवा अपने बहू के साथ में करता है क्या? संपतवाई है कहले हो बाबू, आरती बेटा तुझे भी गमे
मुझे भी गम है। क्यों? कि तुम्हारा पति था संजय, मेरा बेटा था संजय, दोनों को गम बराबर है। मैं चाह रहा हूं आरती, जो घर में नफरत हो रही है ये नफरत को दूर कर दूं। आरती बोली, बाबू कैसा नफरत, मैं समझ नहीं पा रही हूं। संपत्ता कलश की आरती, वो जो 10 लाख रुपया तुम्हारे नाम से है वो हमारे नाम से ट्रांसफर कर दो, जो झगड़ा है खत्म हो जाएगी। और पैसा जब भी मैं खर्चा करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे नाम से करूंगा। भैया हो गजब हो गया। आरती है कलेजवा पकड़ के बैठ गई दबाई के। अपने ससुर संपत से आरती कहत का मास्टर, अरे मोरे राम रुपया तो हके लऊ कर